आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं NN चैनल। मैं हूँ अनीस फातिमा। पेश है शामनामा। गोशमहल स्टेडियम में मुनाक़िद किए गए एक प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत करते हुए हमारे रियासती पुलिस और ऑफिसर जो मरकजी कमिश्नर हुकूमत है, के इश्तराक डायनेमिक से कमिश्नर स्टार टू व्हीलर्स गाड़ियों के अंजनी कुमार कवानीन के साहब तहफ़्फ़ुज़ में और बेहतर हमारी रोल अदा करने एडिशनल वाली डीसीपी शी जो टीम्स में शी टीम तकसीम देखते अमल में शीशा लाई गोयल और साहब खदमात साहब को और ढीली तमाम पुलिस दिखाकर ऑफिसर ने आगाज़ मौजूद किया। थे। इस मौके पर हम लोगों प्रिंसिपल ने मुझसे कमिश्नर कि लोगों अंजनी को कुमार, एडिशनल दिया है डीसीपी पुलिस शिखा गोयल के शी टीम अलावा से, महकमे उससे पुलिस के होगा कि आला मुझसे कि अहदेदारान सब भी बहुत जल्द मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से मंजिल बात पहुंच करते सकते हैं हुए किसी का वजीर कंप्लेन दाखिला पर, मोहम्मद और महमूद चाहे अली ने छोटी कहा गली कि से गली में भी हो तशकील पहुंच सकते हैं। तेलंगाना से कबल तेलंगाना मुतहदा बनने के रियासत बाद में सबसे लॉ बड़ा जो एंड मसला ऑर्डर था का हमारे लिए मसला था और यहाँ वो लैंड हिंसा ऑर्डर का मसला वाराना था, तशद्दुद क्योंकि राउडीज़म बहुत तेलंगाना ज्यादा था। बनने से पहले लोगों ताहम में बहुत मुस्लिम डाउट तेलंगाना था, के बाद रियासत इसलिए में कि अमन हैदराबाद में सलामती को हमेशा क्रिमिनल बिलखसूस राइट्स हुआ करते थे खवातीन के तहफ्फुज़ और को राउडीज्म महकमे बहुत फैला पुलिस हुआ की था। बेहतर कारकर्दगी राउडीज्म से ग्रुप यकीनी वाइज बनाया गया है। दस दस उन्होंने बीस बीस आदमी महकमे के ग्रुप पुलिस होते की थे, भी पचास सताई। पचास आदमी के जो शी टीम्स तश्कील देने के बाद शी टीम जिस तरह ने काम किए, लोगों में भरोसा आया, ख़ास तौर से महिला के लिए शी टीम्स बनाई गई। सीएम साहब पुलिस में भी 33% महिला को भर्ती कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बहनों की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज है, ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। तो मैं ख़ास तौर से शी टीम्स के हमारे तमाम अहदेदार और हमारे पुलिस के अहदेदार और हैदराबाद में हमारे कमिश्नर अंजनी कुमार साहब, DCP महेंद्र डी साहब को दिल की वजीर एक्साइज खेल वी श्रीनिवास गौर ने कोत्तूर म्युनिसिपालिटी से मुतालिक मुकामी कानून साज श्री अजय यादव से तबादला ख्याल किया। उन्होंने पार्टी के अहम उद्दारों को हिदायत की कि वो कोत्तूर बल्दिया के 12 वार्डों में TRS पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए मुहिम चलाएं। वजीर ने CM KCR और वजीर KTR की जानिब से किए जाने वाले अवामी फलाही इकदाम से अवाम को वाकिफ कराने की कोत्तूर म्युनिसिपल के अहम नुमाइंदों को हिदायत दी है। वजीर ने मशवरा दिया कि 12 वार्डों में हुक्मरान TRS पार्टी के उम्मीदवारों की फतह के लिए कारकुनान इज्तिमाई और एकजहती का साथ सख्त मेहनत करें। भविष्य में पार्टी इंका सुदीर्घकाल मैं एनो पानी अवसर पड़े करी गेल गेल तरह अभिवृद्धि चाल मुख्यमंत्री खचिता अंदर मुझे रहा चाल सतोष को मे स्वच्छंद वाले एकग्रीव वीर निर्त अंदर विद्रा चुस्टा जरूर प्रजु निर्लक्षा गुरी प्रां మంచి అభివృద్ధి చెందాలంటే టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి ఖచ్చితంగా మనం పట్టం కడితేనే టిఆర్ఎస్ పార్టీని గెలిపించుకుంటేనే మరి ఇన్ని రోజులు ఓట్లు ఇస్తూ వచ్చాం। वजीर सहित ईरा जिंदर ने करीमनगर में धान की खरीदी का सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद मीडिया से बात करते हुए किसानों को तयशुदा दिया कि तेलंगाना की TRS हुकूमत किसानों से अनाज की खरीदी के लिए बेहतर इकदाम कर रही है और किसानों से गीला अनाज खरीदने के सिलसिले में वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हिदायत दी है। उन्होंने सरपंच ZPTC और MPTC को दीगर को हिदायत दी कि वो किसानों से अनाज की खरीदी के इकदाम से मुताबिक किसानों में शोर बेदार करें। करीमनगर జిల్లాలో హుజరాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఎన్ని కేంద్రాలైనా ఓపెన్ చేసి వడ్లన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ కొనేటువంటి ప్రయత్నం గత 4 రోజులుగా జరుగుతూ ఉంది। గన్నీ బస్తాల ఇబ్బంది లేకుండా, అమాలి ఇబ్బంది లేకుండా, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇబ్బంది లేకుండా, పొంగని దించుకోగునేటువంటి బాధ లేకుండా వెంట వెంటనే ఈ వడ్లను తరలించేటువంటి ప్రక్రియ మా మార్కెట్ వ్యవస్థతో పాటుగా సర్పంచులు కావచ్చు।
सीपीआई के सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा है कि महकमे सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास ने आवाम को इतबा दिया कि कोरोना हवा के जरिए फैल रहा है। उसी वक्त रियासती वजीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा कि कोरोना हवा के जरिए नहीं फैल रहा है। हुकूमत के दो जिम्मेदारों का बयान आने से आवाम में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो रहा है। हुकूमत एहतियाती तरीक़ेकार पर अमल करने की हिदायत दे रही है। हुकूमत का फ़र्ज है कि मास्क और सैनिटाइज़र फराहम करे। लोग घरों में रहकर किस तरह जिंदा रह सकते हैं, भूख मिटाने के लिए उन्हें घर से बाहर आना ही पड़ता है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि वो खानगी जूनियर लेक्चरर्स, गुरबार छोटे कारोबारी अफराद की मदद के लिए आगे आएँ, जिस तरह स्कूल टीचर्स की हुकूमत मदद कर रही है। चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा कि धूप की शिद्दत जिस तरह बढ़ रही है, कोरोना का फैलाव भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मुल्क के हालात पर इकदाम करने के बजाय कोलकाता और दीगर मुकामात पर इंतखाबात में मसरूफ होना अफसोसनाक है। लाखों अफराद की अमवात हो रही हैं, उसके बावजूद हुकूमत की सर्द मोहरी अफसोसनाक है। हिंदुस्तान में तैयार करदा वैक्सीन जल्दबाजी में बैरूनी ममालिक को सरबराह करने की क्या ज़रूरत है। आज मुल्क में वैक्सीन का फुकदान है। हैदराबाद में 3 रोज से वैक्सीन बंद कर दिया गया। मरकज और रियासी हुकूमत फौरी कोरोना के इंसदाद के लिए इकदाम करें। रोज रोज उपवास मन की इफेक्ट आरोग्य इफेक्ट प्रभाव चुप्त अंक नेपथ्य तमे मरी उपाध्याय प्रईवेट टीचर् प्रकटो प्याकेजी अलगे जूनियर कॉलेज पनचे वाली इतर चिरुद्योग चर व्यापार प्रकट अंत का मल्ल पेद निरपेद संबंधी विषय इवा करोना रेट मंतना अभी इंत एंड मंतना अंत विजृंभण मेरत वैरस व्यापी अंकने जाग्रतवास अवसर उबी दी मन देश में तैयार वैक्सीन को वैक्सीन इतर देश एगमेंटी अर्धरहित इकड़ इकड़ उत्पत्ति इकड प्रजक पूर्ति अदाट तरह प्रजक वैक्सीन वैसे तरह मिगता एगमेंक अर्ध उ इकड़ उत्पत्ति अड़क एक्सपोर्ट इकड़ प्रजु वैक्सीन लेक इबंध पड़ता नि वैक्सीन बंद मन वैक्सीन बंद इतर राष्ट्र वैक्सीन बंद अंत केन्द्र प्रभुत्म पूर्ति निर्लक्ष्य वहिस्ट एन कल प्रचार में नरेंद्र मोदी मुनिपोता इन बेगा एट गेवाल अडवन दार दुखा दाने तप करोना प्रजल चचिपोत लक्षल संख्य चचिपोत 15-20 रोजल करोना करार नृत्यम से पट्टी सीपीआई प्रश्न अंकने केन्द्र प्रभुत्म वैफल्या प्रधानमंत्री जिले वरंगल के पराकाला में वाक़े खानगी अस्पताल में जिले मुलुगू के वेंकटापुर मंडल से ताल्लुक रखने वाली 26 साल के ममता को डिलीवरी के लिए शरीक कराया गया था। इस माह की 18 को ममता का ऑपरेशन किया गया, ताहम ऑपरेशन फेल होने से ममता की मौत वाक़े हो गई, जिस पर उसके अपराध खानदान ने अस्पताल के रूबरू एहतजाज करते हुए डॉक्टर्स की लापरवाही के नतीजे में ममता की मौत होने का इल्ज़ाम आयद किया है। नेक्स्ट डेलीवरी पुटे डेलीवरी डेलीवरी अना कुटे अम्म गर्भ संचि को खराब तीस मल्ल मल आपसी मैं ब्लड पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर पट्टनम बाजार में पेश आई सरखे की वारदात में एक होटल के करीब पार्क की हुई स्कूटी से 8 लाख रुपए का सरखा कर लिया गया। बताया जा रहा है कि कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी में काम करने वाले एक वर्कर ने 8 लाख रुपए की रकम को बैंक में जमा करने के लिए जा रहा था और रकम को स्कूटी में रखकर स्कूटी से थोड़ी दूर के फासले पर वो फोन पर बातें कर रहा था कि इस दौरान एक शातिर शख्स ने आसानी के साथ स्कूटी से रकम लेकर फरार हो गया। बाद में मुतासरा वर्कर ने सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। शाम नामे में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। अल्लाह हाफिज़।